यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए जो क्रिकेट के खिलाड़ियों की तनख्वाह से संबंधित है, तो ज़्यादातर लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसकी सही जानकारी उन्हें नहीं होगी। आपको याद होगा जब भारत ने पहला विश्व कप जीता था, भारत ने वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराया था। भारत की इस जीत के बाद से क्रिकेट के चाहने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ी। इस जीत के बाद भारत ने लगातार कई टूर्नामेंट जीते। इसके बाद भारत में लोग क्रिकेट के दीवाने होने लगे थे। 1983 में इन क्रिकेट खिलाड़ियों को कितने पैसे मिला करते थे, इसे शायद आप भी और हम भी ना बता पाएं। लेकिन उस दौर की एक पेमेंट स्लिप यदि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यह स्लिप 21 सितंबर 1983 की है, यानी भारत के विश्व कप जीतने के बाद की है। एक दिवसीय मैचों के लिए भारत के क्रिकेटरों को जितनी तनख्वाह मिलती थी वह आज की तारीख की एक शर्ट की कीमत के बराबर है। तब कप्तान कपिल देव थे, सभी को एक ही बराबर पैसे मिलते थे प्रति एक दिवसीय मैचों के हिसाब से। 1983 में एक दिवसीय मैचों में खेलने पर खिलाड़ी को 1500 रुपये मिलते थे। इसके अलावा 600 रुपये भत्ता मिलता था, यानी एक मैच का 2100 रुपये प्रत्येक खिलाड़ी को मिला करता था। इस दौर में यानी 1983 में $1 लगभग 12 रुपये के बराबर हुआ करती थी। वर्तमान की तुलना में देखें तो खिलाड़ियों का यह मेहनताना बेहद कम लगेगा। 2020 के अनुबंध के अनुसार खिलाड़ियों को एक वनडे मैचों के 6 लाख रुपये मिलते हैं। आज डॉलर की कीमत 70 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में डॉलर में यह पेमेंट $860 के बराबर होगी, यानी तब खिलाड़ियों को वर्तमान की अपेक्षा कम पेमेंट मिला करती थी। आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे क्रिकेट का प्रचार प्रसार बढ़ा वैसे वैसे क्रिकेटरों के पेमेंट बढ़ते चले गए। पहले जैसे सभी खिलाड़ियों को एक जैसे पेमेंट नहीं मिलते, अब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों को ग्रेड में बाँट दिया है।